बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरा नाम मिर्ज़ा अबूबकर है, मेरे चैनल का नाम मिर्ज़ा अबूबकर व्लॉग है। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए, आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। और देखिए, छत का इन्होंने कितना ज़्यादा बुरा हाल किया हुआ है। इसको मैं वापस इधर रख देता हूँ और इन सबका दाना पानी चेंज करने वाला है। और ये एक अंडा दिया हुआ है, इसको मैं उठा लेता हूँ। ये जौन सी वाइट वाली मुर्गी, इसको हम अंडों पर बिठाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। मैं अंडे इकट्ठे कर रहा हूँ। तो चले, इनको मैं खोल देता हूँ। दोस्तों, मेरा अचानक से इरादा बना कि छत की सफाई कर दूँ, तो फिर मैं छत की सफाई करने लग गया। तो मुझे अब मगरिब हो चुकी है, अभी मगरिब के अजाने होकर हट गया, तो मैंने अपना व्लॉग शुरू कर दिया है। तो बाकी जो उनसे थोड़े से काम रह गए हैं, बाकी वो शुरू कर लेते हैं। पहले तो ये पानी वाला जो सा मैंने इसको इधर रख दिया है, प्याला। बाकी इस रेत को भी पानी देते हैं क्योंकि मुर्गियाँ इसके अंदर आके बैठती रहती हैं। आज मैंने बटेरे को इधर नहीं छोड़ा क्योंकि ये सारी सूखी हुई थी और इतनी गर्म हुई थी। तो ये पानी तो चल जाएगा। तो हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि ये मुर्गियाँ को ना, ये मैं पालक लेकर आया था, तो ये पालक डाल दें, इसके अंदर डाल देते हैं। पालक काफ़ी ज़्यादा लग रही है, इन्होंने खानी कम और ज़्यादा ज़्यादा करनी। ये भी काम हो गया हमारा, और अब सिर्फ थोड़ा सा काम रह गया, वो ये है कि जौन से गमले इनको पानी देना, ये बिल्कुल सूखे हुए हैं। ये भी हो गए, अब मैं इधर से पकड़ता हूँ और इनको भी दे देता हूँ। जो कबूतर अपने गेट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गेट का दरवाज़ा बंद है, इसलिए वो साथ वाले गेट के अंदर जा रहे हैं। तो वो उनका ही बच्चा उन्हें बहुत ज़्यादा मार रहा है। ये माशाल्लाह जौन सा बड़े वाला बच्चा था ना इनका, जौन से इन्होंने बाद में दो बच्चे निकाले, वो तो माशाल्लाह आज फ्लाई भी कर रहा था। अगर आज मेरे पास टाइम होता तो मैं आज उसका भी व्लॉग बनाता। तो ये बटेरा इधर आ गया, इसको भी पकड़ता हूँ। ये देखें, ये भी आज माशाल्लाह से इसकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये देखें, इसके पीछे भी बाल आने शुरू हो गए हैं, अब ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये मैंने इसको भी पकड़ लिया, इसको इसके केज में छोड़ दिया। ये कौवा ना मुर्गियों को तंग कर रहा है, ये शायद ये भी पालक खाना जा रहा है, मुझे लग रहा है। तो चलो, तो दोस्तों, ये जो से बड़े वाले दो बच्चे हैं ना, इन्होंने मुझे आज एक बार फिर से ना कंफ्यूज कर दिया है कि ये दोनों मेल है या मेल फीमेल है। दोनों गुटरगूं कर रहे थे, अब देखते हैं।
ये बड़े वाले बच्चे को मैंने इधर ही शिफ्ट कर दिया था उस दिन, लेकिन मैंने वो उस दिन वाले व्लॉग में वह इसको फिर इधर शिफ्ट कर दिया था, लेकिन वह ना गढ़वाल ने कहा कि इसको ना अब इधर शिफ्ट कर दो क्योंकि ये छोटा सा केज है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, तो इसलिए मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। और इस पानी को तो बंद कर दूँ, और ये भी जगह अभी मैंने साफ़ नहीं की, और जो उनकी छत है ना वो मैंने हाफ है ना साफ़ की है, और बाकी वो देख सकते हैं वो सूखी जगह उधर से अभी मैंने साफ़ नहीं की, तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम हो गया था। अब ये देखिए अंधेरा पड़ने वाला है, और वो देखिए चांद। कल 10वां मुहर्रम था और परसों 9वां था, इसलिए मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया, इसके लिए माजरत। और ये मैं अंडा उठा लेता हूँ, वरना ये किधर गया अंडा, किधर गया, एक मिनट गाइस। तो व्यूवर्स मुझे लगता है वो जो सा कौवा आया था ना वो इनका अंडा उठा कर ले गया, मुझे लगा कि वो पालक खाने आया। अभी तो से गायब भी हो गया, अंडा उठाने आया था वो, अंडा उठा कर वो चला गया। तो ये काली मुर्गी उसके मार रही थी यार। अरे इस टाइम बांग नहीं देते। तो दोस्तों आज के व्लॉग हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। आज का व्लॉग शायद थोड़ा सा छोटा हो गया, आज के व्लॉग हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। और मेरे चैनल मिर्ज़ा अबूबकर व्लॉग का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे है ना बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मैंने इनका दाना पानी भी चेंज कर दिया था। फिर मिलेंगे कई नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।